नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। आज की वीडियो में आपको तीन खबरें बताऊंगी। पहली खबर अफगान तालिबान और ईरान के बीच जंग की ताजा अपडेट को लेकर है। ये जंग रुक चुकी है और तालिबान ने कहा है कि हम ईरान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। वहीं दूसरी खबर चीन के यूनान प्रांत के नागू शहर से है, जहां दो दिन पहले प्रशासन ऐतिहासिक मस्जिद की मीनार और गुम्बद तोड़ने पहुंचा था, लेकिन स्थानीय मुसलमानों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया और मस्जिद को तोड़फोड़ से बचा लिया। तीसरी खबर फलस्तीन से है, जहां फलस्तीनी नौजवान और इजरायली सैनिकों के बीच झड़प हो गई। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, नई बात यह है कि इस बार इस झड़प में कोई फलस्तीनी नौजवान नहीं बल्कि एक इजरायली सैनिक घायल हुआ है। तीनों खबरें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस्लामाबाद में तालिबान के प्रतिनिधि मौलवी साकिब अहमद ने कहा है कि तालिबान सरकार कभी भी ईरान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी। ईरान की न्यूज एजेंसी इरना से बातचीत करते हुए मौलवी साकिब ने कहा है कि तालिबान सरकार अफगानिस्तान के सभी पड़ोसी देशों खासकर ईरान के साथ अच्छे संबंध की इच्छुक है। उन्होंने कहा है कि अफगान तालिबान और ईरान के दुश्मन दोनों देशों के बीच हो रही घटनाओं से खुश हो रहे थे, वे इसे और भड़काना चाहते थे, लेकिन दोनों पक्षों को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। साकिब अहमद ने कहा कि हम इसे कानूनी मुद्दा मानते हैं और दोनों देशों के तकनीकी प्रतिनिधि इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। ईरान के गृह मंत्री ने भी कहा है कि ये एक छोटी सी झड़प थी और अब सीमावर्ती क्षेत्र में आने जाने पर कोई समस्या नहीं है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। चीन के यूनान प्रांत में ऐतिहासिक मस्जिद की मीनार गिराने आए पुलिस प्रशासन को तो मुसलमानों के विरोध के बाद वापस लौटना पड़ा, लेकिन अब वहां पर मुसलमानों की धरपकड़ शुरू हो गई है और बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मस्जिद बचाने वालों को अल्टीमेटम दिया है कि वो 6 जून तक सरेंडर कर दें। चीन का ये क्षेत्र मुसलमानों का गढ़ माना जाता है, लेकिन पुलिस के एक्शन के बाद अब दबाव में है। लोगों का कहना है कि प्रशासन जबरन मस्जिद का एक हिस्सा गिराना चाहता है, इसलिए यहाँ के लोग उन्हें रोकने गए थे। उनका कहना है कि अगर वे इसे गिराने की कोशिश करेंगे तो हम निश्चित रूप से उन्हें रोकेंगे। इस पूरे घटनाक्रम से इलाके में काफी तनाव बढ़ गया है। झड़प के बाद से मस्जिद के आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है कि व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। नोटिस में लोगों को आपराधिक कृत्य तुरंत बंद करने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि 6 जून से पहले सरेंडर करने वालों के साथ नरमी बरती जाएगी। अब बढ़ते हैं तीसरी और अंतिम खबर की तरफ। फलस्तीन के कब्जे वाले इलाके में इजरायली सैनिकों और फलस्तीनी नौजवानों के बीच में फायरिंग हुई, जिसमें इजराइल का एक सैनिक घायल हो गया। आपको बता दें, इन दिनों इजरायली प्रशासन ने फलस्तीनियों पर अपने अत्याचार तेज कर दिए हैं, जिसके जवाब में फलस्तीनी नौजवान इजराइल के खिलाफ गंभीर चुनौती पेश कर रहे हैं। फलस्तीन के अल खलील क्षेत्र में इजरायली सैनिकों और फलस्तीनी नौजवानों के बीच में झड़प हो गई, फिर दोनों तरफ से गोलियां चली, जिसमें इजराइल का एक सैनिक घायल हो गया, जबकि फलस्तीनी युवक सही सलामत वहां से फरार होने में कामयाब रहे। तीनों खबरों पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।